अंशुल मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको रुक कराएंगे देश की सारी छोटी बड़ी खबरें। उससे पहले रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की तरफ। आज दिनांक 23/11/2021 अमन त्रिपाठी बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर के आज पुनः उनके माता पिता अशोक लौट थिराह आमरण अनशन पर अपनी मांगों को लेकर पुनः धरने पर बैठ गए हैं। उनके पिता संजय त्रिपाठी की मांगे अमन त्रिपाठी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो और अमन त्रिपाठी हत्याकांड के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी हो। उनके पिता संजय त्रिपाठी ने कहा कि जब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे तब तक हमारे पुत्र की हत्या की न्यायिक जांच नहीं होगी, तब तक वह अपने पुत्र की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। इसके साथ ही संजय त्रिपाठी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से संवाददाता आशा देवी की रिपोर्ट। मेरे अमन की हत्या हुई है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे न्याय मिली और मेरे अमन को मार डिटेल से लड़के पकड़े गए थे, हत्यारे थे, उनको जेल भेजा जाए और मैं उनको अपने अमन की अस्थियाँ जब तक उनसे नहीं करेंगे जब तक वो न्याय देंगे। और क्या मांगे हैं आज ये अशोक लाट पर आप देख रहे हैं कि संजय त्रिपाठी जिनका बच्चा था अमन त्रिपाठी 11/10 की तारीख में उसका मर्डर होता है और उसको आज तक अन्याय नहीं, उसको न्याय नहीं मिला, उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके इसी संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजने का काम किया, जिनकी वो बराबर इसकी जानकारी ले रहे हैं। आज ये अमन त्रिपाठी के माता पिता को मजबूर होकर ये अशोक लाट पर उनको धरना देने का काम किया, मजबूर होना पड़ा। आज एक माता पिता अपने बच्चे का जिसका मर्डर हुआ हो उसको न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठना पड़े, इस सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और ये जानते हैं कि जो जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है उसका साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। कातिलों को बचाने का काम हो रहा है और मजलूम को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं। और अमन त्रिपाठी की न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग यदि उनको न्याय संजय त्रिपाठी को नहीं मिलता है, उनके माता पिता को नहीं मिलता है, अमन त्रिपाठी के माता पिता को न्याय नहीं मिलता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे आकर के इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जानकारी में सब आते हैं और वो बहुत जल्द आने वाले हैं और आ करके उनको न्याय दिलाने के इस मुहिम में साथ लेने का वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की काम। और किन मांगों को लेकर के आज अनशन पर बैठे हैं? मेरा नाम संजय त्रिपाठी है, मेरा लड़का अमन त्रिपाठी जिसकी हत्या 11 तारीख को हो गई और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, मैं दर्द की सफाई खा रहा हूँ और उसकी अस्थियाँ आज भी रखे हुए उसको मैंने विसर्जित नहीं किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी मेरी पत्नी सदस्य और आज मेरी ही सरकार भी मैं कार्यकर्ता होकर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी की क्या स्थिति होगी आप बताइए। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है खुद आरोपियों के द्वारा और माननीयों के द्वारा, आप बताइए किस तरह का लोकतंत्र। कौन माननीय दबाव बना रहे हैं है? वो कौन माननीय है जो दबाव बना रहे हैं? ये हमारे ही पार्टी के माननीय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो सब दबाव बना रहे हैं और कह रहे तुमको ही मार देंगे, ज़्यादा नेतागिरी ना करो, ये नौटंकी ना करो, मेरे पुत्र की हत्या हुई है मैं नौटंकी कर रहा हूँ, ऐसा न्याय है? ये लोकतंत्र की हत्या है सीधे सीधे,
और मैं जब तक अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा जब तक मुझको न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे मुझे प्राण क्यों न देना हो। और इसकी CBI जांच कराई है, यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस सारे लोग भेजे गए, इनकी मिली भगत से ही ये सारा खेल हो रहा है और मुझको न्याय नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ बनकर सरकार मुझे न्याय नहीं मिलेगा और मेरी हत्या कर दी जाएगी, इसीलिए मैं रोड पर आकर बैठ गया हूँ। भाई मुझको भी मार दो, यही न्याय है ना? आप लोग इसी तरह का न्याय करते हो, करो, कोई बात नहीं। मेरा बच्चा तो चला ही गया, वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ना, कोई आपको माफ़ नहीं करेगा, कोई नहीं माफ़ करेगा। मैं श्राप देता हूँ, विनाश हो जाएगा। जो लोग मेरे निर्मम अबोध बच्चे की हत्या करके और जिनको ये शरण दे रहे हैं, बचा रहे हैं, मैं ब्राह्मण होकर श्राप देता हूँ कि विनाश हो जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तब तक आप कहीं न जाएं, बने रहें हमारे चैनल के साथ।